शुक्रिया दोस्तों, आइए यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं रवि आप तमाम व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हम लोगों का द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब वैसे वर्ड्स जो हम लोगों को कोई भी पैराग्राफ का काम हो, कोई भी फिलर का काम हो, उस फिलर वाले जगहों पे फिलर का काम करने में हम लोगों को क्लोज वर्ड्स से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएँ होती है, जो हमारे माइंड में बहुत सारा हर्डल कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। जैसे सबसे बड़ी जो समस्याएं जो होती है, जो ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या एसएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या हमारा सीडीएस का सीपीएफ का जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे क्लोज पैसेज का सवाल आता है, जिसको हम क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैराग्राफ है, एक स्टोरी है, अब उसके बीच में हमारा ब्लैंक्स जो है दे करके, ब्लैंक्स बना करके उसके लिए 2, 3, 4, 5 वर्ड्स ऑप्शन में दिए हुए होते हैं और उस एप्रोप्रिएट वर्ड्स को वहां पे ब्लैंक्स के जगह पे हमें फिट करना होता है, शूट करना होता है। माय डियर, सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब वर्ड्स का जो सेंस है, उसके मीनिंग है, उसके हिसाब से जो वो जब आपस में खुद डिस्टिंग्विश होते हैं तब तो आसान होता है, परंतु खासकर जब हम सीडीएस सीपीएफ एनडीए या फिर बैंक पीओ का या क्लर्क का जब हम बात करेंगे तो वहां पे जो हमारा वर्ड होता है वो काफी क्लोज वर्ड्स होता है। तो आइए आज इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लोज वर्ड्स पे चर्चा करेंगे, क्लोज वर्ड्स का उसका क्या कॉनोटेशन है, क्या उसका यूज है, उनके यूज में क्या डिफरेंस है, हम आज उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए, सबसे प्रथम जो हमारा वर्ड्स है वो है डिस्कवर, एक्सप्लोर और इन्वेंट। माय डियर, हम लोगों को पता है, पता क्या है, डिस्कवर का मतलब भी होता है खोज करना, और जनरली तौर पे हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोर का मतलब भी होता है किसी भी चीज का पता लगाना, खोज करना, और इन्वेंट का मतलब भी कॉमनली हम लोग जानते हैं कि मतलब खोज करना, किसी चीज का पता लगाना। लेकिन एग्जैक्ट जब हम मीनिंग देखेंगे, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की बात होगी, तो हमें पता चलेगा कि डिस्कवर का अभिप्राय खोज करना, एक्सप्लोर का अभिप्राय अनुसंधान करना, और इन्वेंट का मतलब जो सेंस होता है माय डियर वो होता है आविष्कार करना। तो अब हम लोगों के इसके अभिप्राय से ही हमें पता चल गया होगा कि इन तीनों वर्ड्स में फर्क है। कॉमनली भले ही हम लोग तीनों को एक ही समझते हैं, परंतु इन तीनों का यूज में फर्क होगा। आइए जरा इनके यूज पे और इनका हम आगे जो है इनका डिस्कशन करते हैं कि इनका यूज में क्या फर्क आएगा। तो ध्यान देंगे, सबसे प्रथम जो है हमारा डिस्कवर, खोज करना, इसका अभिप्राय होता है टू ब्रिंग समथिंग टू लाइट ऑब्लिक व्यू, मतलब दैट इज प्रीवेलेंट जो मेरा क्लाउज है मैडियर, ये कह रहा है जो प्रीवेलेंट पूर्व से मौजूद है, जो पहले है, जो पहले से व्याप्त है, वैसे चीजों को लाइट में लाना, टू ब्रिंग समथिंग टू लाइट, लाइट में लाना, प्रकाश में लाना, व्यू में लाना, लोगों को दिखा देना, बता देना, वैसे अभिप्राय में डिस्कवर शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है माय डियर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है अनुसंधान करना, अनुसंधान वर्ड से ही समझ गए होंगे, मतलब किसी भी चीजों के बारे में थोरोली जानकारी हासिल करना, रिसर्च करना, उसको स्टडी करना। तो देखिए क्या कर रहा है, टू स्टडी समथिंग थोरोली, मतलब किसी चीज को गहराई से, डीपली, साउंड वे में, इन साउंड मैनर, उसको हम क्या करें, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, किसी भी क्षेत्र का, विकास का कोई भी जो क्षेत्र है, विकास का व्यापक क्षेत्र है, भिन्न भिन्न चीजों से किसी भी समाज का, कोई सोसाइटी का, किसी भी राष्ट्र का विकास होता है, चाहे उस राष्ट्र का वो इकोनॉमी है, एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भिन्न भिन्न एरिया है, तो भिन्न भिन्न किसी भी प्रकार के एरिया के विकास के लिए जो छुपे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, जो मेरिट्स है, जो क्वालिटीज है, उसको स्टडी करके बाहर निकालना, बताना, लोगों तक पहुंचाना, एक्सप्लोर कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट है माय डियर इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना,
आविष्कार करना का अभिप्राय है, यहां जो अभिप्राय दे रहा है, टू क्रिएट समथिंग मतलब किसी चीज का निर्माण करना, नव निर्माण करना, जो चीज पहले से मौजूद नहीं है, जो चीज पहले से समाज में व्याप्त नहीं है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, वैसी क्रिएशन करना, बनाना, निर्माण करना, समथिंग विद द हेल्प ऑफ स्टडीज, इमेजिनेशन और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। मतलब विज्ञान की जो सिद्धांत है, विज्ञान की जो हमारा थ्योरी है, उन थ्योरी के को इमेजिनेशन के रूप में लेकर के, उनकी कल्पना करके, उनके स्टडीज को अपने दिमाग में लेकर के किसी भी चीज का नव निर्माण करना ही आविष्कार कहलाता है, आविष्कार बोलते हैं। आइए तो आप लोग इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या डिस्टिंग्विशमेंट है, इन तीनों वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे भली भांति परिचित हो रहे होंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें फिलर में या क्लोज पैसेज में जब हमें फिल करना होता है, जब ऑप्शन मिलता है, तो हम उसको क्या गेज कर पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। ध्यान दीजिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ऑफली डिस्कवरी। कह रहा है कि आवश्यकता, आवश्यकता जो है वो मदर है, जननी है, किस चीज का, डिस्कवरी का या इन्वेंशन का। माय डियर, किसी भी चीजों की यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगा, मतलब उस चीज की यूज की बात हो रही है, उसकी उपयोगिता का चर्चा हो रहा है, तो उपयोगिता के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी चीज का क्या करना होगा, इन्वेंशन करना होगा, नव निर्माण करना होगा, बनाना होगा। तो बनाने के केस में, निर्माण के केस में, क्रिएशन के केस में हम इन्वेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रोवर्ब है माय डियर, सब लोग इससे विदित हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये इन्वेंशन ही क्यों लगता है, डिस्कवरी क्यों नहीं लगता है, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल ही अब स्पष्ट हो रहा होगा। तो डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जेम्स वॉट इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड स्टीम इंजन। अब कह रहा है कि जेम्स वॉट जो है स्टीम इंजन का क्या किए, खोज किए, क्या जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन का कहीं ना कहीं समाज में, देश में, दुनिया में पहले से कहीं रखा हुआ था क्या, छुपा हुआ था क्या, कि उसको प्रकाश में लाए, लोगों को दिखाए बताए, ये छुपा हुआ नहीं था। ये उन्होंने विज्ञान के पद्धतियों को, अपने दिमाग को, अपनी कल्पना शक्ति को लगा करके उन्होंने नवनिर्माण करने का काम किया। इसलिए नवनिर्माण के लिए, आविष्कार के केस में माय डियर इन्वेंटेड शब्द का प्रयोग करेंगे, डिस्कवर्ड हमारा यहां पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कराए हनुमान जी वॉट सेंट फॉर श्रीलंका। हनुमान जी को श्रीलंका भेजा गया, हनुमान जी को श्रीलंका किस लिए भेजा गया, फॉर द डिस्कवरी ऑब्लिक एक्सप्लोरेशन ऑफ गॉडेस सीता। गॉडेस सीता के डिस्कवरी, खोज के लिए, अनुसंधान के लिए। माय डियर, जब हनुमान जी श्रीलंका गए, तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी जगह पे जाएगा, किसी स्थिति में जाएगा, किसी इन्वायरमेंट में जाएगा, किसी स्थान पे जाएगा, तो वहां के एटमॉस्फेयर, वहां का कल्चर, वहां का लाइफ स्टाइल, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, इन चीजों के बारे में समझेगा। तो हनुमान जी जो है श्रीलंका क्यों गए थे, अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए। तो यहां पे दोनों ही खोज है, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन। अब देखिए, डिस्कवरी जो है पहले से, मैं पहले ही बताया हूं कि जो चीज पहले से मौजूद है, तो सीता तो पहले से मौजूद थी, सब लोग जानता था कि सीता है, लेकिन यह पता नहीं था कि सीता कहां है। तो माय डियर, सीता ऐसा नहीं रहे कि कहीं ऐसे मैंने छुपे हुए थे जिसका पता ही नहीं था, मतलब पहले ही पता चल गया था कि सीता कहां है, तो श्रीलंका में है, तब तो श्रीलंका भेजा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अननोन थे या हिडन थे, मतलब जो यहां जो काम करने वाला है, जो एक्टर है, जो सब्जेक्ट है, उसको विदित है, उसको पता है, उसके प्रकाश में है, उसके दिलो दिमाग में है कि वो हमारा जो वस्तु है, व्यक्ति है, वो कहां है। इसलिए डिस्कवरी का यहां केस नहीं बनेगा, ये यहां, वहां जो हमारा हनुमान जी श्रीलंका गए हैं, वहां के लाइफ स्टाइल, वहां के कल्चर, वहां के चीजों को, वहां के अहोभाव को एक्सप्लोर करने गए हैं, उसको स्टडी करने गए हैं, वॉच करने गए हैं, इसलिए एक्सप्लोरेशन शब्द यहां पे हमारा एप्रोप्रिएट होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ गॉडेस सीता। नेक्स्ट, चंद्रयान टू इन द रिज्म ऑफ द देन। कह रहा है कि पीएम मोदी,
चंद्रयान टू इन द रिजम ऑफ द देन पीएम मोदी, द देन पीएम मोदी करा कि द देन पीएम मोदी, द देन पीएम मोदी का मतलब होता है माय डियर निर्वर्तमान वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के रिजम, रिजम का मतलब होता है शासन काल में चंद्रयान टू वॉज लॉन्च्ड, लॉन्च्ड किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, टू एक्सप्लोर ऑब्ली डिस्कवर द मून, मून का चंद्रमा का क्या करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, पता लगाने के लिए, चंद्रमा के बारे में मनुष्य को बहुत पहले से पता है, इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, उसका अनुसंधान हो रहा है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट वहां की स्थिति, वहां पे क्या मौजूदगी है, किस चीज का, किस चीज की मौजूदगी नहीं है, उसको पढ़ने समझने के लिए चंद्रयान टू भेजा गया। तो यहां पे डिस्कवरी का केस नहीं बन करके एक्सप्लोर का केस बनता है माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबस इन्वेंटेड ऑब्ली डिस्कवर्ड अमेरिका। अब कह रहा है कि कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर किया, माय डियर कोलंबस जब अमेरिका का डिस्कवर किया, खोजा, तो यहां पे कोई नव निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका बना हुआ नहीं था, उसको कोलंबस जाकर के कोई इसमें दिमाग लगा करके कोई थ्योरी लगा करके अमेरिका का बनाया गया, ये कोई वस्तु नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, ये जगह है, इस जगह के बारे में कोलंबस के पहले बाकी देश दुनिया के लोगों को पता नहीं था, उसने अपना जो समुद्री यात्रा किया उसके दरमियान उसने अमेरिका के बारे में जाना, उसको जानकारी हुआ, तो यहां पे हमारा इन्वेंटेड का केस रॉन्ग हो जाता है, यहां पे डिस्कवर्ड शब्द को रखना होगा। तो ऑप्शन से, एक्सप्लेनेशन से, और जो हमारा फर्स्ट जो डिस्कशन है वर्ड से, अब आप लोग बिल्कुल बिल्कुल ही वाकिफ हो चुके होंगे कि डिस्कवर, इन्वेंट और एक्सप्लोर में क्या फर्क है और कैसे हम लोग उसका यूज कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है माय डियर रिवार्ड और अवार्ड। बहुत ही ये सब सवाल इस प्रकार के क्लोज वर्ड पूछे जाते हैं, क्लोज पैसेज में या फिलर वाले जगहों पे। देखिए रिवार्ड और अवार्ड का क्या फर्क है, तो रिवार्ड का मतलब होता है प्रतिफल या पुरस्कार, अवार्ड का मतलब ही होता है माय डियर पुरस्कार, लेकिन दोनों में फर्क है। जब कोई व्यक्ति कोई फिजिकल एक्शन करता है, फिजिकली कोई काम करता है, कोई सर्विस करता है, कोई उसमें मेरिट है, कोई एक्शन करता है, अपने काम के द्वारा कोई अचीवमेंट करता है, वो हार्डशिप कष्ट झेलता है और तब उसको कोई अचीवमेंट प्राप्त होती है, तो वैसे केस में जब उसको कोई प्राइज मिलेगा तो उसके केस में हम रिवार्ड शब्द का यूज करेंगे माय डियर। और नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति को किसी ऑफिस के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई ऑफिशियली प्राइज, सम्मान, ऑनर या मार्क, कोई मार्क चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है, जैसे लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आइडियोलॉजी के क्षेत्र में, कोई सिस्टम के क्षेत्र में, या कोई मेंटली इंस्पायरेशन करने के लिए, मेंटली कोई वर्क के लिए, तो वैसे केस में हम अवार्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है सी वाज अवार्डेड ऑब्ली रिवार्डेड द ब्यूटी ऑफ द ईयर 2020। कह रहा है कि साल 2020 के ब्यूटी के लिए उसको अवार्ड किया गया। यहां ब्यूटी का अभिप्राय है सौंदर्य के लिए, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल गाय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल के लिए उसको 2020 का अवार्ड दिया गया कि रिवार्ड दिया गया। तो माय डियर यहां पे होगा सी वाज अवार्डेड, नहीं रिवार्डेड द ब्यूटी ऑफ द ईयर 2020। चूंकि ये क्या की है, उस तरह का आपने फिजिकल फिटनेस, बॉडी आउटफिट, बॉडी का फिजिकल अपियरेंस के लिए वो उस पर क्या की है, काम की है, इसका उसका प्रतिफल हुआ कि पुरस्कार उसको मिला, तो उस सेंस में हम यहां पर रिवार्ड शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आर एन टैगोर रिसीव्ड द नोबेल रिवार्ड ऑब्ली अवार्ड फॉर हिज लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके लिटरेचर के लिए उनको नोबेल रिवार्ड दिया गया कि अवार्ड दिया गया। तो माय डियर केस क्या है, लिटरेचर का केस है, आइडियोलॉजी का केस है, यहां पे सेंटिमेंट का केस है, तो इस केस में हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, अवार्ड शब्द का प्रयोग करेंगे, रिवार्ड नहीं। नेक्स्ट देखते हैं द रिवार्ड ऑब्ली अवार्ड ऑफ द फास्टेस्ट टिकट कलेक्टर ऑफ दिस मंथ। कह रहा है कि इस महीने के सबसे तेज टिकट कलेक्ट करने वाला टिकट कलेक्टर का अवार्ड या रिवार्ड कुमार रमेश को दिया जाता है, कुमार रमेश को जाता है। माय डियर यहां पे फिजिकल एक्शन हुई है, फिजिकली वर्क हुआ है, वो सर्विस किया है, एक्शन किया है, काम किया है, इसके लिए इसको पुरस्कार मिल रहा है,
तो काम के लिए, सर्विस के लिए माय डियर रिवार्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अवार्ड नहीं। नेक्स्ट है, रुपीज 500 वाज अवार्डेड ऑब्लिक रिवार्डेड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड टू श्रेया। करे श्रेया नाम की एक गाय है, श्रेया नाम की एक गर्ल है, जिसको 500 का रिवार्ड या अवार्ड दिया गया है। किस लिए? एक लॉस्ट चाइल्ड था, खोया हुआ एक बच्चा के बारे में सूचना दिया है, किसी को बताया है, तो उसने क्या किया है? एक एक्शन किया है, उसने सर्विस किया, काम किया, उस काम के लिए, उस हार्डशिप के लिए उसने, उसके लिए घूमा दौड़ा, उसके लिए उसको मेहनताना मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है। तो इस केस में रुपीज 500 जो है हमारा क्या बन गया माय डियर? रिवार्ड बन जाएगा। तो अब आप लोग रिवार्ड और अवार्ड से भी बिल्कुल वाकिफ हो चुके होंगे, इन दोनों शब्दों का क्या जो फर्क है, क्या अंतर है, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्दर और फार्दर। देखिए दोनों ही शब्द बहुत ही शटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही क्लोज दिखाई पड़ रहा है, नजदीक दिखाई पड़ रहा है। माय डियर दोनों में फर्क है, फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब होता है कुछ और, फर्दर का मतलब होता है कुछ और फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, ज्यादा दूर। मतलब जहां पे ये डिस्टेंस को दिखा रहा है फार्दर जो है, वहीं पे हमारा फर्दर जो है क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है। तो फर्दर का अभिप्राय ही होता है एडिशनल, मतलब कुछ और ज्यादा, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर। एंड फार्दर का अभिप्राय ही होता है ग्रेटर डिस्टेंस, ज्यादा दूरी, मोर डिस्टेंस, ज्यादा दूर। मतलब ये डिस्टेंस को डिनोट करता है और ये हमारा क्वांटिटी को डिनोट करता है, मात्रा को डिनोट करता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है यू शुड वॉक अ लिटिल फर्दर ऑब्ली फार्दर। कह रहा है कि आपको कुछ अधिक दूर टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो वॉक करने के केस में क्या होगा? हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए फार्दर शब्द का अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि अंटिल आई गेट इंफॉर्मेशन, जब तक मुझे सूचना नहीं मिलेगी, जब तक मैं सूचना नहीं पाता हूं, आई वॉन्ट टॉक फार्दर ऑब्ली फर्दर, मैं आगे और कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब और ज्यादा, यहां क्या दिखाना है? क्वांटिटी दिखाना है, तो क्वांटिटी दिखाने के लिए फार्दर नहीं, फर्दर शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ही वेंट फार्दर ऑब्ली फर्दर इन टू द जंगल। वह जंगल में क्या गया? दूर चला गया, जंगल के भीतर चला गया। यहां डिस्टेंस को दिखाना है, डिस्टेंस के लिए फार्दर शब्द का प्रयोग कर लेंगे, ही वेंट फार्दर इन टू द जंगल। नेक्स्ट कह रहा है आई हैव नो फार्दर ऑब्ली फर्दर आइडिया अबाउट इट, इसके बारे में मेरे पास कोई व्यापक जानकारी नहीं है, और ज्यादा अनुभव नहीं है, और ज्यादा आइडिया नहीं है। वॉट आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था, आई हैव स्पोकन, मैं बोल दिया हूं। तो मतलब यहां आइडिया जो है इसकी हमें क्या दिखाना है? इस आइडिया की क्वांटिटी को दिखाना है, इसके क्वांटिटी को दिखाने के लिए फर्दर शब्द का प्रयोग होगा, फर्दर यहां हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो हमारा शब्द है माय डियर वो है फैटल और लेथल। तो फैटल और लेथल दोनों का मतलब होता है घातक। फैटल मींस भी घातक और लेथल का मतलब भी होता है माय डियर घातक। इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं काउजिंग डेथ, मृत्यु तक पहुंचाने वाला, मृत्यु लाने वाला। दोनों का एक ही अभिप्राय है, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट केस में यूज होते हैं। फैटल का जो केस है माय डियर, कहीं कोई एक्सीडेंट का मामला है, इंजरी का मामला है, कोई डिजीज है, तो वैसे केस में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? फैटल शब्द का प्रयोग करेंगे। परंतु लेथल का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे कोई मशीनरी की बात हो रही है, कोई वीपनरी की बात हो रही है, आर्म्स एंड अम्यूनिशन की बात हो रही है, तो वैसे केस में हम लेथल शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए एग्जांपल से समझते हैं। करें कि द क्लोज ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री का बंद हो जाना। इंडस्ट्री जो पिछले लॉकडाउन से, पिछले करीब 8-9 महीनों से जो भारत की इंडस्ट्री, देश दुनिया की इंडस्ट्री जो बैठी हुई है, बिल्कुल क्लोज पड़ गई है। प्रूव्ड अ फैटल ऑब्ली लिदल ब्लो टू द कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए साबित हुआ। कैसा साबित हुआ है? घातक साबित हुआ है, बहुत ही खराब साबित हुआ है। तो बताइए ये जो हमारा इंडस्ट्री जो क्लोज हुआ, ये क्या है? ये कोई हमारा मशीनरी है,
ये कोई वीपन्स है, ये कोई वीपन्स नहीं है माय डियर, ये कोई मशीनरी हमको डायरेक्ट तौर पे हमें अफेक्टेड नहीं किया है। ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा घटना घटा जिससे आज क्या है व्यक्ति अफेक्टेड है उससे, तो इसके लिए हमें क्या है फैटल ब्लो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, फैटल ब्लो टू द कॉमन मैन। नेक्स्ट कह रहा है दीज डेज, आजकल चाइना इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग लेदर ऑब्लिक फैटल फाइटर प्लेन्स। कह रहा है कि आजकल चीन जो है बिल्कुल घातक फाइटर प्लेन्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है, लिप्त है। तो यहां क्या घातक है, तो प्लेन्स जो है घातक है। तो प्लेन्स फाइटर प्लेन्स क्या है, मशीनरी है, वीपनरी है। तो इसके केस में माय डियर हम लोग लेथल शब्द का प्रयोग करेंगे, फैटल यहां पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एंटायर वर्ल्ड, समूचा विश्व, पूरा विश्व फेसिंग द सॉर फ्रूट, बिल्कुल तीखा फल प्रतिफल भुगत रहा है, का सामना कर रहा है ऑफ लेथल ऑब्लिक फैटल डिजीज। यहां पे हमारा फैटल या लेथल क्या है, तो डिजीज है, रोग है, नहीं तो एक बहुत ही घातक रोग का सामना कर रहा है और उसके फ्रूट को फेस कर रहा है। तो माय डियर यहां डिजीज के केस में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, फैटल शब्द का प्रयोग कर लेंगे, लेथल हमारा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बहुत ही मिलता जुलता वर्ड, क्योर और रिकवर। तो रिकवर का मतलब ही आमतौर पर हम लोग जान जाते हैं ठीक होना, अच्छा होना, स्वस्थ होना, इलाज होना, और क्योर का मतलब भी हम लोग जान जाते हैं इलाज या इलाज करना, स्वस्थ होना। लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जब इसका मीनिंग हम लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा क्योर का अभिप्राय इलाज करना और रिकवर का अभिप्राय होता है जो इलाज हुआ, जो मेडिकेशन मिली, उसका परिणाम, उसका रिजल्टेंट हुआ कि अब जो स्थिति है उसकी स्थिति में बदलाव आना, वो हुआ रिकवरी, रिकवर होना। और क्योर हुआ कि जो पहले स्थिति पैदा हो गया किसी कारणवश, उसको सही तरीके से, सही तरीके पे लाने के लिए जो एक्शन किया गया, जो रिएक्शन किया गया, वो हमारा क्योर हुआ। ध्यान रहे माय डियर, क्योर शब्द का प्रयोग वर्ब के केस में भी होता है और क्योर शब्द का प्रयोग नाउन के केस में भी होता है। नाउन के केस में क्योर का अभिप्राय हो जाएगा इलाज, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, और क्योर के केस में हो जाएगा प्रोवाइड अ रेमेडी, प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट, प्रोवाइड अ मेडिकेशन, मतलब इलाज करना। रिकवर का अभिप्राय हो जाएगा रिटर्न टू नॉर्मल हेल्थ और स्टेट, मतलब पुरानी स्थिति में, सामान्य स्थिति में वापस लौटना, या गेट बैक समथिंग लॉस्ट, या पहले जो हमारे पास कुछ भला था यदि वो खराब हो गई है तो उसको फिर से हासिल करना, जो खोई हुई चीज को प्राप्त करना, या रिजल्ट ऑफ गुड ट्रीटमेंट, मतलब पहले ही बता चुका हूं जो आपको अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकेशन हुआ, तो उससे आप जो निजात आपको मिली उसी से, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकवर होना, अच्छा होना, भला होना, चंगा होना, स्वस्थ होना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि लाइट डाइट, हल्का नाश्ता, हल्का भोजन विल हेल्प यू, आपको सहायता करेगा फ्रॉम वीकनेस, कमजोरी से क्या होने में, कमजोरी से अच्छा होने में। तो लाइट डाइट जो हम लेंगे उसका रिजल्ट होगा कि हम क्या करेंगे, रिकवर होंगे, ठीक होंगे, अच्छा होंगे, भला होंगे। तो इसके केस में हमारा क्योर नहीं, रिकवर शब्द का प्रयोग होगा, रिकवर फ्रॉम वीकनेस। नेक्स्ट है द इकोनॉमी इज क्यूरिंग ऑफ रिकवरिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिसेशन। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिसेशन, मंदी के काल के बाद क्या हो रही है, पुराने स्थिति में लौट रही है, सुधर रही है, ठीक हो रही है, स्वस्थ स्थिति में आ रही है, अपना नॉर्मल पोजीशन में लौट रही है, आ रही है। तो माय डियर क्यूरिंग का यहां कोई अभिप्राय नहीं है, रिकवरिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिसेशन। कह रहा है कि डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, यू विल रिकवर सून, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, चंगा हो जाओगे, भला हो जाओगे, नॉर्मल कंडीशन में लौट जाओगे। तो यहां पे हमारा ये सेंटेंस सही है, रिकवर का पॉइंट बन रहा है, यहां पे क्योर, चूंकि क्योर जब होगा, इलाज जो करेगा तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, क्योर का यहां कोई संबंध नहीं है। देखते हैं माय डियर नेक्स्ट, देयर इज नो क्योर ऑब्लिक रिकवरी ऑब्लिक रिकवर ऑफ कैंसर। कह रहा है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो माय डियर यहां क्या है, नो है, नो एडजेक्टिव है, हमें पता है
पूर्व के वीडियो में हम लोगों को प्राप्त हो चुका है कि नो है या अपोस्ट्रोफी एस है या कोई पजेसिव केस है, तो उसके बाद जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, नाउन आएगा। तो नो के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो नाउन के रूप में क्योर का या रिकवरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रिकवर तो होगा ही नहीं, पहले ही कैंसिल हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्योर या रिकवरी, तो माय डियर देयर इज नो रिकवरी ऑफ कैंसर होगा कि क्योर ऑफ कैंसर होगा। तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, यहां पे रिकवरी का मतलब होता है स्वस्थ, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। तो यहां हो जाएगा हमारा क्योर, रिकवरी का यहां कोई मामला नहीं बनेगा। ध्यान दें, नेक्स्ट कह रहा है द डॉक्टर टुक 6 वीक्स, कह रहा है कि डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है 6 सप्ताह लिया, चिकित्सक 6 सप्ताह लिया टू रिकवर ऑब्लिक क्योर हिज पेशेंट, अपना पेशेंट को ठीक करने में, अच्छा करने में। तो डॉक्टर क्या कैसे अच्छा करेगा, इलाज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, तो ट्रीटमेंट के सेंस में यहां क्या हो जाएगा, रिकवर नहीं होगा, क्योर हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को भला करने में, अच्छा करने में, इलाज करने में 6 सप्ताह लिया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है वर्ड, नेक्स्ट क्या वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है माय डियर बहुत ही यूज होने वाला, ऐसे भी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, एक्सेप्ट, कॉन्फेस और एडमिट। अभी नॉर्मली हम लोग कॉमनली तीनों का मतलब जानते हैं, स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना, और एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना। परंतु इन तीनों का प्रयोग भिन्न भिन्न केस में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग केस में यूज होता है। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है अप्रूव कर लेना, स्वीकार कर लेना, किस चीज को, किसी एक्शन को, किसी कार्य को, कोई बिहेवियर को, किसी नेचर को स्वीकार करना, किसी के बिहेवियर को स्वीकार करना, एक्शन को स्वीकार करना, कार्य को स्वीकार करना। कन्फेस, यदि कोई व्यक्ति कुछ मिस्टेक किया है, कोई गलती किया है, कोई अपराध किया है, कोई अब उसके द्वारा सीन हो गया है, पाप हो गया है, तो और उस पाप को, उस अपराध को स्वीकार कर रहा है, तो उस केस में कन्फेस शब्द का प्रयोग होगा। और सामान्य तौर पे यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मिस्टेक हो गई है, कोई फॉल्ट हो गया है, तो इस केस में माय डियर एडमिट शब्द का प्रयोग करेंगे। एक और एडमिट का एक और अपना यूज है, केस है, वो ये है, एडमिट का एक और अभिप्राय होता है टू अलाउ या परमिट टू इंटर, किसी व्यक्ति को कहीं किसी जगह पे प्रवेश करने के लिए अलाउ करना, अनुमति देना, इजाजत देना, तो उसके लिए भी एडमिट शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, सम ऑफ देम एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग एक्सेप्टेड, कन्फेस्ड, एडमिटेड हर प्रपोजल, करा कि उन लोगों में से कुछ लोग उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिए। तो यहां क्या चीज स्वीकार करना है माय डियर, प्रपोजल को स्वीकार करना है। प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, एक्सेप्टेड वर्ड का प्रयोग होगा। ये कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो एडमिट और कन्फेस हमारा यहां पे गलत हो गया। नेक्स्ट है, सी डिड नॉट एक्सेप्ट, कॉन्फेस, एडमिट दियर चैलेंज, करा कि वह उन लोगों के चुनौती को स्वीकार नहीं की। तो चुनौती को स्वीकार करना मतलब किसी बिहेवियर से, किसी एटीट्यूड से, कोई एक्शन पे की स्वीकृति करना या नहीं करना, उस केस में एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, कॉन्फेस नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा। नेक्स्ट यदि देखते हैं, द सरफेस ऑफ वॉल, करें कि वॉल का जो सरफेस है, दीवाल का जो सरफेस है, वॉन्ट, कन्फेस, एडमिट या एक्सेप्ट दिस पॉइंट, नहीं होगा माय डियर, यहां होगा पेंट, पेंट, कह रहा है कि इस पेंट को स्वीकार नहीं किया, जो पेंट दिया जा रहा है दीवाल पे, दीवाल उस पेंट को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको अपने में स्टिक नहीं कर पा रहा है, चिपका नहीं पा रहा है। तो द सरफेस ऑफ वॉल वॉन्ट, यहां पे कन्फेस का कोई केस नहीं बना माय डियर, यहां पे एक्सेप्ट का भी केस नहीं, एडमिट का केस बन गया, एडमिट दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ध्यान दीजिए, करा कि एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया को संबोधित करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए द एनसीबी सेड, एनसीबी का जो टीम है वो बोला कि द गिल्टी वुड हैव टू कन्फेस ऑब्ली एक्सेप्ट ऑब्ली एडमिट द इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग रैकेट, ड्रग रैकेट में जिनकी भी भागीदारी है, सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, उनको स्वीकार करना ही होगा। जो गिल्टी हैं,
जो भी दोषी हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार क्या करना है? तो ड्रग रैकेट में इन्वॉल्वमेंट, ड्रग रैकेट में जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत अच्छा काम है। जो आदमी ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व था बहुत अच्छा काम किया था, कोई जोग जाप कर रहा था क्या? तो यहां पे गलत काम है, सिन किया है, क्राइम किया है, अपराध किया है। तो अपराध के केस में माय डियर कन्फेस शब्द का प्रयोग करना होगा, यहां पे एक्सेप्ट या एडमिट शब्द को हटाना होगा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल है। कह रहा है कि द अक्यूज्ड मेड अ फुल एक्सेप्टेंस और कन्फेशन ऑफ हिज मर्डर। कह रहा है कि अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड का मतलब होता है माय डियर आरोपी, जिस पे किसी तरह का कोई क्लेम किया गया है, कोई ब्लेम किया गया है, कोई आरोप लगाया गया है। तो कह रहा है कि अक्यूज्ड जो है, आरोपित जो है, जिस पे आरोप लगाया गया है, मेड अ फुल एक्सेप्टेंस, पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया है, कन्फेशन कन्फेस कर लिया है ऑफ हिज मर्डर, उसके मर्डर का, कत्ल का, किसी व्यक्ति की जो मर्डर हुई है, जो कत्ल हुई है, उसके कत्ल को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। तो पूर्ण रूप से किसी का मर्डर किया है, बहुत भला काम किया है, का बहुत अच्छा जो है काम किया है, तो ये अपराध किया है माय डियर, वो क्या किया है, एक बहुत बड़ा सिन किया है। तो सिन के केस में हमें पता है कन्फेस शब्द का प्रयोग होगा, कन्फेशन यूज करना होगा। नेक्स्ट है, दे एडमिटेड ऑब्ली एक्सेप्टेड दैट दे हैड कमिटेड मिस्टेक। कह रहा है माय डियर कि वे लोग स्वीकार कर लिए कि वे लोग मिस्टेक किए थे, उन लोगों से गलती हो गई थी। मतलब जब चारों तरफ से वो टीम के ग्रिप में आ गए, पूरे टीम के सीबीआई और एनसीबी के जब वो क्लच में आ गए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं किस चीज का, अपना इन्वॉल्वमेंट का, कि हाँ मुझसे ऐसा गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, फॉल्ट तो हुई है, मिस्टेक तो हुई है। तो मिस्टेक के केस में माय डियर एडमिट शब्द का प्रयोग करना होगा, एक्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाई विल दे नॉट एडमिट ऑब्ली एक्सेप्ट यू टू एग्जामिनेशन हॉल। कह रहा है कि वे लोग आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं प्रवेश करने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं इजाजत देंगे, क्यों नहीं स्वीकृत करेंगे। तो यहां पे क्या है, किसी भी जगह पे जाने के लिए स्वीकृत करने की बात हो रही है, उसकी स्वीकारोक्ति की बात हो रही है। तो पता है किसी भी जगह पे जाना भेजने की स्वीकारोक्ति के लिए माय डियर एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग नहीं, एडमिट शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है ऑन ऑब्ली रेस्पेक्टिव। देखिए ऑन का मतलब होता है अपना, स्वयं, खुद, और रेस्पेक्टिव का मतलब भी होता है माय डियर अपना। लेकिन दोनों का क्या फर्क है, दोनों ही संबंध दिखाता है, दोनों ही संबंध को डिनोट करता है, दोनों शब्द हमारा एक प्रकार का सेंस प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिए, ऑन शब्द का प्रयोग वर्ब के केस में भी होता है और एडजेक्टिव के केस में भी होता है, लेकिन रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग माय डियर केवल एडजेक्टिव के केस में होता है। कहां होता है, ध्यान दीजिए, ऑन शब्द का प्रयोग पर्सनल पोजेशन, किसी खास व्यक्ति का, व्यक्ति के ग्रुप का, या बहुत सारे लोग हैं तो उनके खास जो संबंध है, जो पोजेशन है, POSSESSION, पोजेशन, पोजेशन मीन्स अधिकार है, किसी भी चीजों पे जो स्वामित्व है, जो हक है, उस पे स्ट्रेस डालने के लिए, उस पे जोर डालने के लिए, पर्सनल पोजेशन दिखाने के लिए ऑन शब्द का प्रयोग होता है। रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां पे सेपरेट पोजेशन दिखाना है, व्यक्ति एक नहीं हो, व्यक्ति बहुत सारा है, और उसके साथ सबको, सबका अलग अलग हमारा क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है, स्वामित्व दिखाना है। तो वैसे केस में पोजेशन, प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन के केस में, जहां पे सबको सेपरेट करके पोजेशन को दिखाना है, रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के नाउन के लिए होगा, जहां पे किसी व्यक्ति का खास जो अधिकार है, जो स्वामित्व है, उस पर स्ट्रेस डालना हो, उसको हाईलाइट करना है, तो वैसे केस में ऑन शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए, द फंक्शन इंडेड, कह रहा है कि कार्यक्रम समाप्त हो गई, एंड ऑल द स्टूडेंट्स, और सारे विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थी अपने घर चले गए। माय डियर,
सब लोग का अपना निजी घर है, तो यहां क्या है, अपना स्वयं का घर न गए हैं कि अपना घर किसी दूसरे का घर चले गए हैं, अपना यहां खुद का घर गए हैं, तो दियर ओन, दियर ओन यहां रेस्पेक्टिव नहीं होगा माय डियर, दियर ओन हाउसेस, अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट कह रहा है आई एम रेडी टू सेल माई ओन ऑब्लिक रेस्पेक्टिव बंगलो, कह रहा है कि मैं अपना खुद का बंगला बेचने के लिए रेडी हूं। माय डियर बंगला किसका है, मेरा खुद का है, उस बंगला पर मेरी खुद का अधिकार है, मेरा स्वयं अधिकार है। हम यदि बंगला को बेचने के लिए तैयार हैं, मतलब वो बंगला जो है मेरे पिताजी का उस पर पोजेशन नहीं है, मेरे भाई का पोजेशन नहीं है, उसका ओनरशिप मेरा खुद का है, इसलिए मैं अपने खुद के ओनरशिप को स्ट्रेस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए क्या किया हूं, ऑन शब्द का प्रयोग किया हूं। तो यहां पे हमारा जो होगा एप्रोप्रिएट वर्ड ओन होगा, रेस्पेक्टिव नहीं होगा। और चूंकि हमारा केस भी है माय बंगला, यहां एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के केस में रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल द पैसेंजर्स, सारे पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, करें कि सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया जाता है टू टेक दियर ओन रेस्पेक्टिव सीट्स, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहां रिक्वेस्ट किया गया सभी पैसेंजर्स से, लेकिन सभी पैसेंजर्स का जो सीट्स है माय डियर अलग अलग कंफर्म्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई पैसेंजर जाएगा और किसी एक सीट पे बैठ जाएगा, नहीं, सबका सेपरेट पोजीशन है, सबका अलग अलग सीटिंग है, तो अलग अलग सीटिंग के लिए पैसेंजर्स भी देखिए हमारा बहुत सारा है, रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग करेंगे, ओन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दे वर रेडी, वे लोग रेडी थे टू गिव दियर ओन ऑब्लिक रेस्पेक्टिव पेन टू मी, कह रहा है कि वे लोग सभी रेडी थे मुझे अपना कलम देने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति, कलम बहुत सारा है, जिस कलम पे किसी व्यक्ति का अपना निजी स्वतंत्र अधिकार होगा वही कलम ना मुझे दे सकता है। तो यहाँ पे जो है माय डियर सारे व्यक्ति रेडी थे अपना कलम देने के लिए, हमें क्या करना है, जो उनकी स्वतंत्र जो अधिकार है, स्वामित्व है, उस पर स्ट्रेस डालना है, स्ट्रेस डालने के लिए ओन शब्द का प्रयोग करना होगा, रेस्पेक्टिव को यहां पे हटाना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कंगना ओन्स अ बिग बंगला इन मुंबई, अभी तक जितने भी ऊपर का हमारा ओन या रेस्पेक्टिव जो वर्ड आया माय डियर वो पूरे के पूरे एडजेक्टिव के केस में आया, अब जो ओन वर्ड है हमारा नाउन के केस में आ रहा है। कह रहा है कि कंगना ओन्स अ बिग बंगला इन मुंबई, कह रहा है कि मुंबई में कंगना रनौत की एक बहुत बड़ी बंगला है, कंगना रनौत एक बहुत बड़ा बंगला का अधिकार रखती है, उसके पास है। तो ऑन का मतलब होता है के पास होना, रखना, तो ऑन यहां माय डियर वर्ब है, कंगना हमारा वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब अप्लाई किया गया है ऑन्स। माय डियर आज के इस वीडियो सेशन में क्लोज टेस्ट में आने वाली जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजिंग वर्ड से हम लोग वाकिफ हुए। आशा करता हूं आप लोगों का यह वीडियो सेशन बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। इसी तरह का आगे भी कंफ्यूजिंग वर्ड का 2-3-4 वॉल्यूम में वर्ड्स का सेशन आप लोगों को हम अपने पूरे टीम के तरफ से आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आप लोगों को मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में पहुंचाएं ताकि हम लोगों को हौसला मिलता रहे और एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।